Hi guys, good morning. I'm BK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon Math by BK Sir Day 16. जैसा कि आप जानते हैं guys, Icon Math में हमने 6th class, 7th class, 8th class के स्टूडेंट्सों का मैटर इसमें रखा है और आज से पहले जितना भी हमने पढ़ाया था आपको ऑनलाइन उसका आज हम आपको फर्स्ट वीकली टेस्ट मार्क्स 10 नंबर का सब्जेक्ट मैथ का लेंगे। ध्यान रखिए जो क्लासें हमारी चल रही थी कल संडे है, कल का लीव रहेगा ऑनलाइन क्लासेस का, कल का लीव रहेगा, कल अपना आप कुछ भी वर्क कर सकते हैं। मंडे से फिर जहां से क्लासें हमने छोड़ी थी वहां से क्लासेस चालू होगी। तो आज हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट वीकली टेस्ट। इसमें मैंने गाइस आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं देखिए, और आपको यह मालूम है हर क्वेश्चन को मैंने समझाया है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उस वीडियो को बार बार देखें, अगेन एंड अगेन सी करें, समझें और फिर उसको अपने टेस्ट कंप्लीट करके आपको स्कूल में उसको जमा कराना है। कब जमा कराना? मंडे को। मंडे को आपको एक नोटबुक बनानी है। नोटबुक कैसे बनानी है? इस तरीके की आपकी नोटबुक होती है, उसमें से आप पेज निकालेंगे, ऐसे वन पेज निकाल लिया, ओके, ऐसे निकाल लिया, एक पेज और निकाल लिया, तो ये 10 क्वेश्चन है, दो हो गया, एक चीज निकाल लिया इस तरीके से। आप देखिए आपके 2 पेज 3 पेज और 4 पेज इस तरीके से आप अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। आप चाहे तो 2 पेज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर ऐसे करके उसको ऐसे स्टेपलर से आपको पिंच करना है। यहां पिंच किया, एक यहां पिंच किया, इस तरीके से आपको अपनी बुकलेट बना रही है। अब ये बन गई आपकी नोटबुक। अब इस नोटबुक में आपको अपना नेम राइट करना है। जैसे नेम आपको मान लीजिए लकी शर्मा, तो लकी शर्मा लिख दिया। क्लास 8 है तो 8 लिख दिया, 6 है तो 6 लिख दिया, 7 तो 7 लिख दिया, सब्जेक्ट मैथ लिख दिया, और फिर लिख देंगे इसमें हम ऊपर ऊपर फर्स्ट वीकली टेस्ट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट वीकली टेस्ट। और इस तरीके से आपकी नोटबुक बन गई, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज 6 पेज 7 पेज 8 पेज 9 पेज और ये 10 पेज 11 पेज 12 पेज की आपकी ये नोटबुक बन गई। हमारे क्वेश्चन है 10। एक पेज में एक भी क्वेश्चन, मान लीजिए ये पेज आपने अपना एड्रेस का रख दिया पूरा, ध्यान रखिए उसमें मोबाइल नंबर होने जरूरी है, क्योंकि जो भी मार्क्स आएंगे आपके 10 में से कितने आपके मार्क्स आते हैं मैं मोबाइल पे आपको बता दूंगा, सर आपके इतने मार्क्स आए हैं, आपके मोबाइल नंबर, आपके पापा का मोबाइल नंबर या आपका मोबाइल नंबर आप यहां राइट कर देंगे जिसमें हम बता देंगे कि आपके स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं। ध्यान रखिए जितना भी आज आपने पढ़ा है अगर आप नहीं करेंगे, ध्यान रखिए इनका सर वीकली टेस्ट से क्या होगा? वीकली टेस्ट से एक तो हमारा पूरा रिवीजन हो गया पहली बार, दूसरा हम जो यूनिट टेस्ट लेंगे हमारा जिसके मार्क्स आपके एग्जाम में जुड़ेंगे, अब ऐसे नहीं होगा भैया कि ऐसे ही चल गया ऐसे ही प्रमोट हो गए, अब तो ऑनलाइन ही पढ़ाई होगी जब तक कि स्कूल ओपन नहीं होगी। तो ध्यान रखिए इसको आप सीरियसली लेना है और हर क्वेश्चन को करना है आपको, और क्वेश्चन को करने जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ये रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन पर -2/11 -5/11 -9/11 को नंबर लाइन पे शो करो, रिप्रेजेंट करो। अब इस वाले क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है, आप पिछली वीडियोस को सी करो कौन से वीडियोस में सर ने इस क्वेश्चन को पढ़ाया है, फिर उसको 2-3 दफे समझो, फिर उसको आप हल कर दीजिए, और हल करने के बाद में अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और जमा करा दीजिए नोटबुक मंडे को। आप आ जाइए अपने पेरेंट्स के साथ, आप आ जाए आकर के आपको जमा करा दें,
यहाँ पे नीचे स्टाफ बैठा हुआ होगा, आप हमें जमा करा देंगे सर, मेरी नोट बुक ले लीजिए, फिर हम उसके मार्क्स आपको फोन में बता देंगे आपके बच्चे कितने मार्क्स हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर टू, राइट फाइव रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन टू। आपको फाइव रैशनल नंबर्स बताने जो आपके टू से छोटे छोटे हैं। राइट फाइव रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन टू, जो दो से स्मॉलर हो, ऐसे आपको फाइव रैशनल नंबरों का पता लगाना है। फिर क्या जरा क्वेश्चन नंबर थ्री, इज एट अपॉन नाइन द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस वन वन अपॉन एट हाई और हाई नॉट। क्या एट अपॉन नाइन मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है माइनस वन वन अपॉन एट का, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं, पता लगाना। तो आपको कैसे करना, आपको देखना है। अभी मान लीजिए मैं बता दूंगा तो फिर मतलब क्या हुआ, आप खुद अपने माइंड से सीख लो, पहले पिछली क्लासेस को अटेंड करो और करने के बाद इसको अटेंड करो। क्वेश्चन नंबर फोर, 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 3 वन अपॉन 3 वाई और वाई नॉट। क्या 0.3 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है 3 वन पॉइंट वन अपॉन 3 का, और है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव, मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 को बाय द रेसिप्रोकल ऑफ माइनस 7 अपॉन 16 के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। कैसे होगा सर, आप अपने वीडियोस को पिछले क्लासेस को अटेंड करो, जो मैंने पिछली क्लासेस आपकी ली है ऑनलाइन पर उनको देखिए और आपको ये क्वेश्चन फाइन हो जाएगा, और उसको अच्छी तरह समझिए, समझने के बाद इसको करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, टेल रॉड प्रॉपर्टी। याद रखिए सब स्टूडेंट इसको वर्क कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि आप रह जाए। इतने सिंपल क्वेश्चन मैंने दिए हैं, एक एक क्वेश्चन को मैंने पढ़ाया है, और आपको इनको हल करके इस तरीके से आपकी नोटबुक बना करके आपको स्कूल ऑफिस में जमा कराना है, जिसमें फर्स्ट लिखा हुआ होगा, फर्स्ट वीकली टेस्ट, नेम लिखा हुआ होगा, क्लास लिखी होगी, सब्जेक्ट लिखा होगा, आपके मोबाइल नंबर लिखे होंगे, उनमें से हम मार्क्स आपको बता दें। आप आ जाइए, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 3 एंड 1 अपॉन 3 इंटू 6 इंटू 4 अपॉन 3, बताइए, कंप्यूट कीजिए, अलाउ कीजिए, वेरीफाई दैट। आपको वेरीफाई करना है, माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू एक्स 4। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स इज इक्वल टू 1150, मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 7 में वन करना है, वन मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये सेकंड वाला करना है, ये भी वन मार्क्स का है। तो दोनों एक ही क्वेश्चन थे जिनको हमने अलग अलग कर दिए, इसको 7 नंबर बना दिया, इसको 8 नंबर बना दिया। तो वेरीफाई दैट, आपको ये वेरीफाई करना है कि माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू एक्स के बराबर होता है। तो आप एक्स का हमने वैल्यू दिया आपको 13/17। फिर देखिए, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ इच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपको एक भी दिया है, हमने ज्यादा नहीं दिया, इसका 2/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। राइट द एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स लिखिए, देखिए आप पिछली क्लास की स्टडी कीजिए। यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करके फाइंड लगाओ, पता लगाओ, -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6 को सॉल्व करना है, हल करना है। आपकी ये पूरे 10 के 10 क्वेश्चंस आपकी पिछली क्लासेस में मैंने रीड करा दिए, स्टडी करा दिए हैं, आपको भी इनको अच्छी तरह से स्टडी करना है, रीड करना है, और फिर इस तरीके से अपने नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक में आप ऊपर ऊपर लिखेंगे, पहले स्कूल का नाम लिखेंगे, आईकॉन द इंटरनेशनल स्कूल, फिर लिखेंगे फर्स्ट वीकली टेस्ट, फिर लिखेंगे अपना नेम, फिर फादर्स नेम, क्योंकि एक नेम के दो बच्चे हो सकते हैं इसलिए फादर्स नेम, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर, ये सब चीज नोट कर देंगे ताकि हम आपको सूचना दे सकें आपके इतने मार्क्स आएंगे। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा, मंडे संडे की लीव रहती है, तो मंडे को आपको ये जमा कराना है, हर हालत में आपको फर्स्ट वीकली टेस्ट कंप्लीट करना है। ओके गाइस, सी यू टुमारो, सेम टाइम सेम प्लेस, बाय।